गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और आज का भी हाल कुछ ये है कि आज भी बारिश हो रही है। आज भी हमने प्लान किया था कि आज हम फन सिटी जाएंगे, पर लगता है कि भगवान जी नहीं चाहते कि हम फन सिटी जाएं। बाहर बारिश हो रही है। ये नाश्ता बनाया है आज, ब्रेड पोहा, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो आज का क्विक अपडेट ये है कि बारिश की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ठंड बढ़ गई है। और दिन में ठंडा मौसम था तो सब लोग सो गए, पूरे घर के लोग सो गए थे। अभी शाम को उठे हैं, मैं लेटे लेटे ही व्लॉगिंग कर रही हूँ। हमें बगल में जाना है, मतलब मोम्फी के घर पे, आप लोग मोम्फी के नाम से पहचानोगे, मोम्फी के घर पे जाना है डिनर पे। आंटी ने हमें डिनर पे बुलाया है आज, तो वहाँ पे जाना है। आज पूरा दिन कुछ नहीं किया हमने, बस सोए थे। अभी जा रहे हैं रेडी होने थोड़ा सा डिनर के लिए। स्माइलू और पुण्य जीजू बर्थडे पार्टी में गए थे। स्माइली खड़े होकर दिखाओ, मेरी स्माइली कितनी अच्छी प्रिंसेस लग रही थी। ओह माय गॉड, ये भी क्या हो गया, अच्छे से करो। हम लोग नहीं गए क्योंकि मम्मी के घर गए जाना था। हम लोग नहीं गए क्योंकि हम लोग सोए रह गए और शाम को हमें डिनर पे जाना था मम्मी के घर, आंटी के वहाँ पे जाना था, तो इसलिए हम नहीं गए। अभी स्माइली को पुण्य को एक रिटर्न गिफ्ट भी मिला है। लेट्स अनरैप दिस। ओके, आई हैव अनरैप्ड। स्माइली यहाँ अनरैप कर रही है। ऐसे कौन खोलता है जी, पूरा चीड़ फाड़ बजा के। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ इसलिए ऐसे फाड़ रही है। गर्मी का पता ही नहीं लगा। आप लोगों को गर्मी का पता ही नहीं यहाँ का। हाँ, यहाँ तो ठंडी लग रही है। बारिश क्या हो गई, पूरा दिन ओढ़ ओढ़ के ही पड़े थे। ओह माय गॉड, ऐसा वो कौन अपने भी आज बोरिंग वन क्या कह रही है पुणे भैया, हैज अ बोरिंग वन। आई हैव व्हाट यू हैव, फ्लावर। फ्लावर ये देखो, आई हैव मंकीज, आई कैन सी देम। सो यू बॉट अ फैन पेंसिल। आई आल्सो ओपन दिस पापा वन। ओह इट्स अ कूल, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग। फैन इज नॉट वर्किंग, करेगा फूक मारे तो। नहीं नहीं, वो थोड़ा कम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा टाइट है वो। And what you have? These are the colors. Moom color. Yeah. And eraser and sharpener. She got. She got one eraser, one sharpener, one color set, and one fan pencil. Wow, I have fruits. Yeah. वहाँ चल रहा है। मेरी साली कितनी क्यूटी लग रही है। चल। क्यूटी लग रही है। आपके लिए भी साली थी। तो गाइज अब हम रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। मैं सोच रही थी कि मम्मी बोल रही थी कि आगे का बटन खोल लो, फिर वो भी अच्छा लगेगा, मतलब ये क्या बोल। हाँ नहीं, पर ठंडी है तो मैंने सोचा कि नहीं पहनी रहती, ये ज्यादा फोकस आ रहा है एकदम। मैं दूध सा सफेद लग रही हूँ। पाउडर वैसे मैंने लगा लिया है भर भर के, ताकि मैं एकदम गोरी लगूं। इन्होंने कम लगाया है, मैंने नहीं लगाया है, इन्होंने नहीं लगाया, तो इसलिए इनका फेस थोड़ा ऑयली ऑयली सा ग्लो कर रहा है। मैंने मेरा आटा जैसा लग रहा है। तो भी हम चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, हमें 8:30 तक वहाँ चले जाना था, अभी 9 बज गया है। आंटी बार बार कॉल कर रहे हैं, तो चलते हैं अभी। ये मोम्फी, मोम्फी मैंने जैसे ही आवाज़ लगाया वो भाग के आया। मोम्फी कहाँ चला गया, छुप गया मोम्फी। बेइज्जती करवा दी इसने, तब से गेट के पास आके रुका हुआ था, जैसे ही मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट किया फटाक से भाग गया। ओए आ गया आ गया। चीफ गेस्ट लोग हैं इधर, चीफ गेस्ट का खाना चल रहा है, सबसे मुख्य अतिथि तो यही है, सबसे स्वैग में यही बैठे हुए। मोम्फी, मोम्फी आलू खाएगा, आलू आलू नहीं खाना, उसको भी छोले भटूरे ही खाने हैं। बाय मोम्फी, हम जा रहे हैं। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, एकदम कैमरे पे तो और बेइज्जती करा देता है। बेड गंदा कर देगा। और इधर हम खाने जा रहे हैं, बहुत टेस्टी रेस्टोरेंट भी फेल है। छोले भटूरे बनाए आंटी ने, साथ में ये है सैलेड। तो अभी खाना हो चुका है हमारा, मैं तो एकदम पूरा यहाँ तक भर चुकी हूँ क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। छोले भटूरे बनाए थे आंटी ने, दुकान पे भी मैंने वैसा छोला भटूरा नहीं खाया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो
बाकी लोग खा रहे हैं, मैं हमेशा पहले ही खा लेती हूँ, बाकी लोग खा रहे तब तक मैं वेट कर रही हूँ. ओके सो इस्माइली इज गोइंग टू टेल अ स्टोरी टू ऑल ऑफ यू. फर्स्टली वी हैव टू शो द पिक्चर. दिस आर्ट मेड बाय मी. Yeah, made by Smiley. And Smiley will tell the story behind this picture. And Mumsy tried to get his house, and then he just see Peppa the Pig. He and he tried to catch it, but he's too fast. Have to tell that he's Mumsy the dog. He's Mumsy. And he's Peppa the pig. Yeah, he's a pig. He's a pig. Yeah. And he's a dog. Yeah. Okay, then what is the story? Okay, now Mumsy tried to get out of his house, and he did. And he see Peppa, Piggy, and then he tried to catch it, but he's too fast. And then he catch it. Well, how he catch it? Can you understand her language? अगर किसी को भी समझ में आए आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए. मुझे तो सब समझ में आता है. मेरी स्माइली की सारी स्टोरी मुझे समझ आ जाती है. अगर स्टोरी ये करो मामा. एंड दिस इज मेड बाय पीपी सिंह. ये कौन सा कॉस्ट्यूम है तुम्हारा? जो भी नाइट सूट है, 2000 सब्सक्राइबर है, ये नाइट सूट है तुम्हारा. जो भी मेरे 2000 सब्सक्राइबर है वो लोग भाग जाएंगे. तो ये बता दीजिएगा आप लोग कि पीपीसी का आर्ट आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगेगा, और क्या लगेगा. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. स्माइली अपना ड्राइंग लेके घूम रही है आज, बहुत खुश है. ऐसे उल्टा पकड़ा है तुमने लोग. अभी हम लोग जा रहे हैं फन सिटी. मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं थोड़ी चंपू चंपू से लग रही हूँ. फिर भी इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार किया था फन सिटी जाएंगे ये वो, और जब जा रहे हैं फाइनली तो मेरे को अच्छा नहीं लगा. सुबह से ही पता नहीं क्यों वोमिटिंग जैसा मन हुआ, पता नहीं. मेरी तबीयत वैसे जल्दी ख़राब होती ही नहीं है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं. भाई नहीं जा रहे, पापा भी नहीं जा रहे. भाई इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो आज ही दिल्ली से आया है मेरे फ्रेंड से मिल के, और तो वो थका है, वो सो रहा है. मेरा भी मन नहीं कर रहा था, वैसे मैं जाना तो चाहती थी लेकिन तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है. बाल भी बिल्कुल चंपू चंपू सा हो रखा है, इस वजह से मैंने हेयर बैंड लगा लिया. थोड़ा सा ऑयली ऑयली सा हो गया, शैम्पू करने की ज़रूरत है. कैन यू सी द एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट है फन सिटी जाने की. हम लोग मॉल पहुँच गए हैं. दिस इज मॉल. बाहर आते इंग्लिश क्यों शुरू हो जाती है पता नहीं. वैसे मेरी तबीयत अभी भी खराब ही है. क्या हुआ? क्या हुआ? Another vlogger. मैंने जंप सूट रखा था पहनने के लिए. मैंने सोचा था कि मैं वही पहन के आऊँगी, लेकिन आज मौसम थोड़ा ठंडा जैसा था तो मैंने ये शर्ट ही पहन लिया, क्योंकि इसमें स्लीव्स हैं, लॉन्ग स्लीव्स हैं. इधर पीछे ब्लॉगर देख लीजिए, और इधर आकर पता चल रहा है इधर तो धूप ही है. किधर से जाना है? दिस साइड. तो अभी मेरे को लग रहा है, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा मैं यही पहन लेती हूँ. आपको इधर चारों तरफ बस ब्लॉगर ही ब्लॉगर दिखेंगे. हम लोग कहीं बाहर निकलते नहीं है कि सोचते हैं कि फुल पैसा वसूल कर ले, आपको भी घुमा दे साथ में. एक टिकट में इतने सारे लोगों को फन करवाते हैं हम. ये हमारी दीदी नहीं है ना, ये तो कोई और ही आ गया आज. आप लोग यही सोचो क्योंकि ये यूजुअली सूट वगैरह में ही दिखती हैं. ये कौन है? स्माइली. विद होम आर यू गोइंग? सी आई लव पंजाब. ये यहाँ पे कार लगी हुई है, यहाँ पे मैंने रील शूट कर लिया. आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर देखिएगा मैंने कैसे रील बनाया. तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी रील बना, मैं नहीं छोड़ सकते. ढेर सारी रील्स वीडियो शूट करने के बाद फाइनली वी आर गोइंग टू एंटर इन द मॉल. चले अभी ये लोग रील रुक के देखने भी लगे, मेरे बाल ख़राब हो गए. बाहर इतनी शाम हो गई है. ये आपको मच्छर दिखाई दे रहे हैं इधर, कितने सारे मच्छर.
चेकिंग के बाद मैं अंदर आ चुकी हूँ। ये एलिवेटर तो ख़राब है, अब देखते हैं अगर लिफ्ट मिलता है तो। वैसे तो हम सीढ़ी से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉल आए हैं तो मॉल के पूरे मज़े लेते हैं। यो ब्रो, आज हम लोग सीढ़ी से नहीं जाएंगे, लिफ्ट भी मिली गया। पहले मम्मी आती थी लिफ्ट में ना तो उनको डर लगता था कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, बंद ही रह गया तो। देखिए मम्मी खुल गया, विद इन सेकेंड्स हम लोग आ गए दूसरे फ्लोर पे। ऐसा होता है, मैं भी जब फर्स्ट टाइम गांव से आई थी, कहाँ हम लोग याद नहीं है मुझे कहाँ था, कौन सी जगह थी वो, लेकिन जब मैं भी जब फर्स्ट टाइम गई थी तो मेरे को थोड़ा सा तो डर लग रहा था, क्योंकि मूवी में ये भी दिखाते हैं ना कि लिफ्ट फंस भी जाती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और मम्मी को तो वैसे भी वो मम्मी क्लॉस्ट्रोफोबिया है। ये लोग पहले ही आ गए थे, मुझे तो लग रहा था कि पूने इनको चरखी वरखी पर चढ़ा उड़ा के गिरा ना दे, मतलब जो भी राइड वाइड यहाँ पे होगी, पर सही सलामत दिख गई। स्माइली, डिड यू एंजॉय? यस, यू एंजॉय द लॉट। अभी कहाँ खेले, कहाँ हम लोग अभी चाहिए खेले, नहीं तो ये रहे स्टील, ये रहे। सब लोग समझ जाएंगे कि आ गए गांव के देहाती लोग, आते ही पूरा हल्ला मचा दिया हमने। ऐसे ही होना चाहिए, जहाँ जाओ लोगों को पता चलना चाहिए दो चार लोग आए हैं। मम्मी की असली जद्दोजहद यहाँ पे शुरू होने वाली है। जीजू मम्मी को देखिएगा, यहाँ पे मम्मी बहुत डरती है। मम्मी आइए आइए, मैं पहले इन लोगों को दिखा लेती हूँ फिर चलूंगी। जाइए मम्मी, रुकिए 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 रुकिए। एक तो मिशन सक्सेसफुल हो गया है, मम्मी आ गई है। क्यों नहीं नहीं ठीक है, ऐसे उल्टे सीधे ट्रिक नहीं बताओ। बस मम्मी यहाँ पे संभाल के सबसे ज्यादा एक्साइटेड स्माइली ही रहती है। स्माइली की खुशी देखिए। ओ माय गॉड, वाह वाह, ओए होए, ये क्या है भाई? डू यू नो हाउ टू ड्राइव दिस? तो ये वाला व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि ये वाला व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है। इसका सेकंड पार्ट आज ही शाम को मैं डाल दूंगी और उसमें बहुत ज़्यादा मस्त है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, उसमें है बहुत मज़ा आने वाला है आपको, जो हमारा नेक्स्ट व्लॉग होगा। तो वो वाला व्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।